हे गाइस, विनय दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? तो ये जो आपकी वीडियो है, ये होने वाली है हमारी क्लास सिनोनिम्स की, क्लास 8। इससे पहले हम टोटल 7 वीडियोस कर चुके हैं। अगर जो बच्चा इस सीरीज को देख रहा है तो उसे ये पता लग गया होगा कि हम लोग जो आपकी बुक है पिनाकल या फिर किरण, वहाँ से हम लोग आपको करवा रहे हैं बेसिकली सारे के सारा प्रीवियस ईयर के जितने भी सिनोनिम के क्वेश्चन थे, चाहे वो आपका एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, एक मिनट, चाहे वो आपका एसएससी सीजीएल हो, ठीक है, चाहे वो आपका सीपीओ हो, चाहे एमपीएस हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे स्टेनो हो, कोई भी प्रीवियस ईयर हो आपका, 2000 अभी से लेके 24 से लेकर 2000 अपना 5 साल आप लगा लो, 19 से 18 तक के, मान लो 2018 तक के 6 साल के जितने भी आपके सारा प्रीवियस ईयर है, वो यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ। ये वीडियो मुझे पता है ज़्यादातर लोगों तक तो बिल्कुल नहीं पहुँचेगी, ना मुझे ज़्यादा उम्मीद है, बट मैं यही चाहता हूँ, जो मुझे उम्मीद है कि जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो एकदम स्टिक होके देखना, एकदम सीरियसली देखना, डेडिकेटली वीडियो को देखना, जिससे आप लोगों को बड़ा बेनिफिट मिलेगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम टोटल 400 सिनोनिम्स के क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं और ये हमारा 401 से मतलब टोटल अभी हम इस वीडियो में 50 और कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपको सिनोनिम बताना, द क्राउड्स गैदर्ड वर पार्टीशन इन नेचर। पार्टीशन का मतलब होता है, ऐसे देख लो, फेथफुल सपोर्टर। अगर आप किसी इंसान की बात कर रहे हो, सपोर्टर जो आपको क्या करे, जो आपको सपोर्ट करे, ठीक है ना, जो आपके साथ खड़ा रहे, जो आपको सपोर्ट करे। तो यहाँ पर क्या था, क्राउड गैदर और पार्टीशन नेचर, जो क्राउड गैदर हो रखा था, इकट्ठा हो रखा था, वो क्या था, क्राउड जो गैदर हो रखा था वो कहीं ना कहीं पे क्या था, पिटीफुल था। पिटीफुल का मतलब होता है दया भावना जिसके अंदर हो, मर्सी की भावना हो, काइंड, आपको पता है, काइंड हार्टेड, जिससे आप बेनीवॉलेंट भी बोलते हो, बेनीवॉलेंट हो गया। और क्या होता है काइंड पर्सन, उसके लिए आप क्या बोल सकते हो, MAGNANIMOUS, मैग्नेनिमस का मतलब भी होता है जो बड़ा दया वाला व्यक्ति हो, जो दूसरों की मदद करे बिना किसी सेल्फिश रीजन के, जो सेल्फलेस हो, तो ये वर्ड भी ध्यान रखना। तो जो क्राउड खड़ा था, अगर वो किसी पर्टिकुलर बंदे को सपोर्ट कर रहा है, किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, तो वो क्या है, वो बायस्ड होगा। बायस डिस्ट्रक्टिव मतलब तबाह हो जाए, डिस्ट्रक्टिव के लिए आप एक वर्ड और ध्यान रखना, डिलेपिडेशन, DILAPIDATION, डिलेपिडेशन का मतलब होता है स्टेट ऑफ रियूनेस, बर्बादी की जो स्टेट होती है वो। नेक्स्ट आते हैं हम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब होता है जो भैया, मतलब जिसे फॉन्ड ऑफ, ऐसे देख लो, फॉन्ड ऑफ डिलीशियस फूड, जैसे बहुत मतलब खाने के पीछे वो पागल हो, बहुत अच्छा खाने की आदत हो, फॉन्ड ऑफ डिलीशियस फूड, ठीक है, खाने के बारे में बहुत पता हो, ठीक है। इनडिफरेंट है, इनडिफरेंट मतलब किसी भी चीज़ में उसको इंटरेस्ट नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड है, नहीं भैया ये तो नहीं है। इनडिफरेंट कई बार ऑप्शंस में आता है। डिटेस्ट का मतलब होता है किसी से आप सेपरेटेड हो, आपकी नहीं बन रही, आप डिटेस्ट हो, ये वर्ड आगे भी आएंगे, ध्यान रखना। एपिक्योर का मतलब होता है डिलीशियस फूड को लेके पागल है, उसे बहुत अच्छे खाना खाने की आदत है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है ना। नॉन इंटेलिजेंट का मतलब होता है जो बंदा मना कर दे, जो बंदा खुद पे ही निर्भर हो और सेल्फ डिनायल हो, जो मना करता हो, उसे लोगों से मदद लेना पसंद नहीं है, सेल्फ डिनायल। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है आपका, इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया एपिक्योर, ये भी प्रीवियस ईयर है, सारा प्रीवियस ईयर है। शी वॉज अ ब्रेव वुमन बट शी फेल्ट डॉन्टेड। देखो आपने, अगर अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपने एक वर्ड देखा होगा डॉन्टलेस। डॉन्टलेस का मतलब होता है फियरलेस, फियरलेस मतलब निडर, मतलब गटसी, गटसी, GUTSY। अब आप मेरी बात ध्यान से देखिए, डोंट का मतलब क्या है, डोंट का मतलब है डर, डर, फियर, तो याद रखना। शी वॉज अ ब्रेव बट शी फेल्ट डॉन्टेड बाय द टास्क एट। वैसे तो ब्रेव वूमेन है वो, बट वो क्या हुआ, जो भी टास्क आ रहा है सामने उससे उसको क्या है, उससे उसको शी फेल्ट डॉन्टेड, उससे उसको डर लगा। अब देखो बोल्ड मतलब बहादुरी, जो डॉन्टलेस है फियरलेस है, ठीक है। बोल्ड मतलब क्या है, करेजियस है, ठीक है। अप्रिशिएट, किसी को अप्रिशिएट करना, एंकरेज मतलब किसी को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, बूस्ट करना। इंटिमिडेटेड का मतलब होता है डरा हुआ, फ्राइट, फ्राइटेंड, फ्राइटेंड, FRIGHTENED। दूसरा एक बात मेरी ध्यान रखना, एक होता है इंटीमेट। इंटीमेट का मतलब क्या है, इंटीमेट का मतलब होता है नियर बाय। एक तो इंटीमेट मतलब नियर बाय, पास में, एक इंटीमेट मतलब होता है क्लोज रिलेशन, इंटीमेट रिलेशनशिप है, क्लोज रिलेशनशिप है। एक इंटीमेट का मतलब होता है किसी को आप वार्निंग दे रहे हो, वार्निंग, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। आज
द सीन ऑफ रतन फ्रेंड्स बाइक एक्सीडेंट रिमेन्स स्टैम्प्ड इन हिज मेमोरी। भाई बंदा जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका दोस्त पीछे बैठा था, उसके दिमाग में क्या है, एक स्टैंप लग गई, वो छप गया। मतलब स्टैंप लग गई मतलब इम्प्रिंटेड हो गया, छप गया। अप्रूव्ड हो जाना स्कैरी, डरा हुआ नहीं, डराना स्कैरी है, डरा हुआ जैसे यूज करना था। शंट का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा वर्ड है शंट। शंट का मतलब होता है टू अवॉइड, अवॉइड करना, टू अवॉइड। इम्प्रिंटेड इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कॉर्नोकोपिया, कॉर्नोकोपिया का मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा मात्रा में हो, एबेंडेंट हो, ABUND, एबेंडेंट हो, बहुत ही ज्यादा प्लेंटीफुल हो, प्रचुर मात्रा में होना। सिंक होल, सिंक होल मतलब जहां से नदी बहती है, ऐसा होल जो लैंड में होता है, नहीं। मेलाइज, मेलाइज का मतलब होता है मेलेडी, MALADY, मेलेडी। मेलेडी मतलब इलनेस, बीमारी। मेल, जब भी रूट वर्ड मेल दिख जाए तो समझ जाना इसका मतलब भी होता है बैड। एवराइस, एवराइस से बना एवरेशियस, एवराइस मतलब होता है ग्रीडी, लालची। तो इस और क्या है, ये तो कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो ट्रेजर लव, ट्रेजर मतलब खजाना, मतलब ट्रेजर ट्रोव मतलब लव नहीं, सॉरी ट्रोव मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में कोई चीज आप खोज करते हो और वो मिले, ठीक है, तो ट्रेजर ट्रोव। या आप यात्रा में निकल जाते हो किसी खजाने की खोज की, तो यही इसका करेक्ट आंसर है, इसलिए जा रहा है, ये करेक्ट ऑप्शन है ये। नेक्स्ट है ऑब्लिटरेट, ऑब्लिटरेट का मतलब क्या होता है, OBLITERATE, ऑब्लिट्रेट का मतलब होता है किसी भी चीज को कैंसिल कर देना, नलीफाई कर देना, नलीफाई कर देना मतलब एबॉलिश कर देना, खत्म कर देना, ठीक है। पैस्ट कर देना, हील कर देना। मैंड मतलब जैसे बेंट करके रिपेयर करना, मैंड मतलब टू रिपेयर, ध्यान रखना ये वर्ड भी, टू रिपेयर मैंड को बोलते हैं। नोट इसकी ना देखो, अब आप बोलोगे सर इसकी PDF अवेलेबल है, ये तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप ओपन करना, टेलीग्राम ग्रुप क्या है हमारा, विनय कक्षा के नाम से है, ओपन करना और वहां पे फाइल्स में जाओगे सारी PDFs आपको मिल जाएंगी, बहुत ज्यादा कंटेंट मिल जाएगा। बट मैं आपको ये बोलूंगा आप अपने नोट्स बना लो, वो ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरी चीज, आपको अगर फ्री अभी आपका पेपर है, MTS का पास है, या फिर कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, मेंस की कर रहे हो, CPO की तैयारी कर रहे हो, तो भाई अगर आपको फ्री गाइडेंस चाहिए हो कि कैसे तैयारी करें, 9289609096 ये व्हाट्सएप नंबर है हमारी टीम का, आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो हम आपको गाइड कर देंगे कि भैया ये देख लो, वो देख लो, और यहाँ पर आप अपने इंग्लिश के डाउट भी पूछ सकते हो, बट डाउट अच्छा डाउट हो, ठीक है। या भेज देना, जब भी अवेलेबल होंगे कोई ना कोई आपको डाउट बता देगा, ठीक है ना। बट आपको गाइडेंस चाहिए हो तो कर लेना, ठीक है, आ जाओ। अबेंडन, अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना, अबेंडन का मतलब छोड़ देना, मतलब लीव कर देना, ठीक है, स्टार्ट करना ये सब, लीव करना। एडॉप्ट मतलब गोद लेना, एक होता है ADAPT, एडेप्ट, एडेप्ट मतलब होता है टू चेंज, टू चेंज अपने आप को ढाल लेना, टू चेंज अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट या सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना, उसे अडेप्ट कहते हैं। एक होता है ADEPT, अडेप्ट, इसका मतलब होता है निपुण, मतलब एक्सपर्ट, किसी भी चीज़ में कोई पर्सन जो एक्सपर्ट हो, जो क्या हो, प्रोफिशियंट हो, PROFICIENT, प्रोफिशियंट हो, वो बंदा क्या हो, मैस्ट्रो हो, MESTR हो, किसी भी अपनी फील्ड में वो क्या हो, जीनियस हो, ये वर्ड ध्यान रखना है, MESTR हो, ठीक है। तो एडॉप्ट नहीं होगा, लीव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, इनकम्बेंट, इनकम्बेंट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो एक पर्सन होल्डिंग, होल्डिंग पोजीशन, एक ऐसा पर्सन जो किसी पावरफुल पोस्ट को होल्ड कर रहा हो, कोई पोजीशन को होल्ड कर रहा हो, ठीक है। जैसे आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो तो गवर्नमेंट ऑफिसर, वो इनकम्बेंट हो गया। किसी एम्बेसी में जाते हो तो इनकम्बेंट, आप पूछते हो इनकम्बेंट कौन है, मतलब जो पोजिशन जो होल्ड कर रहा है यहाँ पे, जो वो बंदा कौन है। तो एडवेंचरर है, वो एडवेंचर पर जाता है, नहीं कंटेस्टेंट है, लड़ रहा है कहीं पे, कंटेस्ट लड़ रहा है, नहीं। प्रोफेट मतलब होता है जो आपके साथ फ्यूचर में होने वाला है, उनके बारे में बताते हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑक्यूपेंट। फिक्टिशियस इज समथिंग दैट इज फेक, फिक्टिशियस समथिंग दैट इज फेक, समथिंग दैट इज मतलब आप ये देखो, फैलासी, FALLACY, FALLACIOUS, कोई भी चीज जो काउंटरफीट हो, काउंटरफीट, CONTERFEIT, कोई भी चीज जो स्पूरियस हो, स्पूरियस मतलब भी क्या होता है, फेक होता है, ठीक है। तो फैक्चुअल है, फैक्ट पे बेस्ड है, नहीं है, कंफर्म है, जेन्यून है, ये तो एंटोनियम हो गए। इमेजिनरी है भैया, फेक है, ऐसी काल्पनिक है ये, ठीक है। ये चीज जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, CONTERFEIT, काउंटरफिट मतलब जालसाजी, काउंटरफिटिंग डॉक्यूमेंट्स मतलब जालसाजी डॉक्यूमेंट्स, तो ये सारी चीजें ध्यान रखना। नेक्स्ट ब्लिंक, मेरी आंखें ब्लिंक ब्लिंक कर रही हैं, मतलब मेरी आंखें क्या हो रही हैं, फ्लिकर हो रही हैं, फ्लिकर।
ब्लेज मतलब एकदम फायर का झोंका आ जाए, एकदम आग लपटे, ब्लेज हो जाए, ठीक है, फुल ऑफ फायर। एलेक्रिटी मतलब होता है तेजी, एलेक्रिटी मतलब होता है इच्छा, एलेक्रिटी मतलब होता है विलिंगनेस, किसी भी चीज को करने के लिए जो आपके अंदर ईगरनेस होती है, EAGERNESS, ईगरनेस होती है, या एंथुजियाज्म होता है करने का, उसे एलेक्रिटी कहते हैं, विलिंगनेस। कैप्रिशियसनेस मतलब जब आप फिकल माइंडेड हो, फिकल माइंडेड मतलब कभी आप कुछ कह रहे हो, कभी आप कुछ कह रहे हो, कभी इधर बोल रहे हो, कभी उधर, मतलब जो चेंज होता रहा है, चेंजिंग चेंजिंग, ठीक है। फिकल, FICKLE, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और आता रहता है। मीडियोक्रिटी मतलब एकदम बोरिंग सा, एकदम कॉमन, एकदम एवरेज, मीडियोकर। जैसे हम लोग कैसे जी रहे हैं, मीडियोकर लाइफस्टाइल जी रहे हैं, वही सुबह उठना, ये करना, वो करना, बट मैं तुम्हारा भाई तो ऐसे नहीं करता, ठीक है, आ जाओ। कंपंक्शन, कंपंक्शन बहुत अच्छा वर्ड है भाई, अब आधे से ज्यादा जगह गलत दे रहेगा। कंपंक्शन मतलब होता है, आप देखो, एक ऐसी फीलिंग जिसमें आपको ये लगे कि जो मैं कर रहा हूं, इज इट ऐसे, देखो, इज इट पूछ रहा हूं मैं, इज इट राइट और रॉन्ग। रिग्रेट की भावना तो नहीं कहूंगा, बट आपको ऐसा लगे कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ ये सही है कि नहीं है। ऐसा होता नहीं, हम कोई डिसीजन लेते हैं यार ये सही होगा कि नहीं होगा, ये सही है कि नहीं, उसे कहते हैं कंपंक्शन। इसके लिए मैं आपको एक वर्ड बताता हूँ, क्या, क्वालम, QULM। जो आपने किया अब आपको लग रहा है सही था या गलत था, QULM, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, किसी दिन मुश्किल बना, क्लैट वाले बच्चों का वर्ड है ये, SSC में तो कम आता है, बट ध्यान रखना। एक और वर्ड होता है स्क्रपल, स्क्रपल, ठीक है, स्क्रपल, फीलिंग ऑफ रिग्रेट विद स्क्रपल, स्क्रपल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्केप्टिज्म मतलब कोई चीज डाउट में रखना, स्केप्ट में रखना। पनिशमेंट आपको पता है, ग्रीफ इज सैड, ग्रीफ इज डिस्ट्रेस, DISTRES, ठीक है, तो स्क्रपल आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एबनिगेशन। एबनिगेशन मतलब भी वही चीज होती है जो अभी हमने पढ़ा था, अबेंडन कर देना, मतलब त्याग देना, त्याग देना मतलब रिनाउंसमेंट, त्याग देना, सेक्रीफाइस, कोई चीज सेक्रीफाइस कर दो। एबडक्शन, अब आप ये मुझे अबडक्ट कर लेना, किसी को उड़ा के ले जाना, एबडक्ट कर लेना, किसी को किडनैप कर लेना। मेटेरियलिज्म इज रिलेटेड टू मेटीरियल थिंग्स, पैसा, पावर, पैसा है तो, ठीक है। एम्बेलिश, एम्बेलिश का मतलब होता है, देखो ये सीरीज ना मैं ऐसे नहीं करूंगा कि मैं यहाँ पर रुक गया और मैं आपका वेट करूँ, ठीक है। ये अगर कोई मेरे को शुरू से देख रहा है 2 साल पहले से, तो भी मैं ऐसे ही करवाता हूँ, ठीक है। एम्बेलिश का मतलब होता है किसी को क्या करना, किसी को डेकोरेट करना, किसी भी चीज को सजाना, किसी को एडॉन करना, ADORN, किसी को ब्यूटीफाई करना, ब्यूटीफाई करना, ADORN, डेकोरेट करना, अगर डिक्रीज करना, डेकोरेट करना। एम्बेलिश बहुत पुराना वर्ड है। ही अपील टू द लॉज ऑफ द लैंड टू विंडिकेट फ्रॉम हिस, विंडिकेट मतलब होता है कि भैया फ्री फ्रॉम गिल्टी, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। विंडिकेट मतलब है आपको एक्सकल्पेट कर दिया, बोल दिया गया भैया ये कल्प नहीं है, कल्प मतलब ये कल्प्रिट नहीं है, इसे एग्जिट दे दो। समझ रहे हो बात को, तो समझा रहा हूं। देखो एक वर्ड होता है इनकल्पेट, इनकल्पेट, INCULPAT, कल्प मतलब ब्लेम, कल्प्रिट, कल्प्रिट वो जिसने काम करा हो भाई, जिसने मर्डर करा वो कल्प्रिट है, तो कल्प इज फॉर ब्लेम। कल्प में इन लगा हो तो कल्प आपके ऊपर कोई डाल रहा है, आप कल्प में हो, आप ब्लेम में हो, आप कोई आपको एक्यूज कर रहा है कि इसी ने मर्डर करा है, कल्प है ब्लेम। कल्प से आप एग्जिट कर रहे हो, मतलब कोर्ट ने ये बोल दिया कि भैया ये बंदा क्या है, इस बंदे को एक्विट करो, बरी करो, ही इज नॉट गिल्टी ऑफ क्राइम, कल्प से बरी करो, एग्जिट दो। कैसा लगा मजाक, अच्छा था ना, ये ऑफलाइन में बताता रहता हूँ मैं, देखिए। एक्सोनरेट होना, एक्सोनरेट मतलब एक्सकल्पेट होना, फ्री फ्रॉम गिल्टी। बैनिश मतलब किसी को बाहर निकाल देना, एक्साइल में भेज दो, EXILE, ठीक है। नेक्स्ट, द ईगल सीज इज प्रे इन अ टेनेशियस, टेनेशियस मतलब होता है बहुत ही स्टबन में, स्टबन फॉर्म में, स्टबन फॉर्म में, स्टबन ग्रिप हो, ठीक है। तो क्या होता है स्टबन ग्रिप का मतलब क्या है, एकदम जो किसी की बात नहीं सुनेगा, मतलब एकदम अड़ियल ग्रिप में, एकदम अच्छे ग्रिप में, जो फ्लेक्सिबल ना हो, फ्लेक्सिबल नहीं, एकदम अटल तरीके से, स्टबन हो, ऑब्स्टिनेट हो, OBSTINAT, ये सारे वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब का मतलब क्या, टिमोरस मतलब डरा हुआ, पैसिव तो पता ही है आपको, ठीक है। परसिस्टेंट मतलब टेनाशियस ग्रिप, मतलब एकदम जो चलता रहे, एकदम जो ईगल है सीज ऐसी पकड़ में कि भाई छूटेगा नहीं, चलता रहे, परसिस्टेंट हो, परसिस्टेंट, बस। टेनाशियस मतलब अड़ियल ग्रिप, तगड़ी ग्रिप। सेबराइट, सेबराइट का मतलब होता है एक वो पर्सन जो हेडोनिस्ट हो, हेडोनिस्ट,
HEDONIST, जो भैया पैसे उड़ाए, जो ये देखे कि प्लेजर ही जिंदगी में सब कुछ है, जो सेक्स के प्रति ज्यादा ही अपनी भावना रखे, उल्टी सीधे चीजों में रहे, जो सेवेरेट होता है, मतलब डिबॉच, मतलब पथभ्रष्ट, डिबॉचस पथभ्रष्ट। ग्रेटिट्यूड मतलब समथिंग इट इज फ्री, जो चीज फ्री में हो या फिर विदाउट एनी रीजन, किसी भी रीजन के बिना हो, विदाउट एनी रीजन। ऑर्नरी मतलब होता है, ऑर्नरी बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है बैड टेम्पर्ड, गुस्से वाला, बैड टेम्पर्ड। ब्रस्क मतलब होता है जो बंदा एकदम रूड हो, रूड रूड हो एकदम, ठीक है, वो चीज ध्यान रखना। तो आपका करेक्ट आंसर है डिबॉच, पथ भ्रष्ट। हैस्टी मतलब बहुत तेजी से, कोई भी चीज आप बहुत तेजी से करो, मतलब एक्सपीडिश एक्सपीडिशियस, बहुत तेजी से। लेड बैक मतलब एकदम लेटा हुआ, एकदम रेस्ट मोड पे, रेस्ट कर। कर देना मतलब क्या, ऑक्लूड का मतलब होता है किसी भी चीज को रोक देना, ऑब्स्ट्रक्ट कर देना, ऑब्स्ट्रक्ट कर देना, रोक देना, ऑब्स्ट्रक्ट कर देना। जैसे एक वर्ड होता है इम्पेडिमेंट, IMPEDIMENT, इम्पेडिमेंट भी रोक देना, बाधा बन जाना। मॉडेस्ट एकदम हम्बल नेचर का हो, हम्बल हो। डिसमल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार आ रहा है, इसका मतलब होता है सैड, ठीक है। ग्रेव इज समथिंग दैट इज सीरियस, जो चीज सीरियस उसे ग्रेव कहते हैं, बोल्ड मैंने आपको बता दिया था। सेग्रीगेट का मतलब क्या, सेग्रीगेट का मतलब है चीजों को अलग अलग करके रखना, मतलब नलीफाई का मतलब होता है कैंसिल कर देना, नहीं, समर्ज मतलब इकट्ठा करना, इंटीग्रेट मतलब इकट्ठा कर देना, आइसोलेट मतलब होता है अलग अलग करके रखना। ऑब्स्ट्रूसिव है, ऑब्स्ट्रूसिव मतलब होता है कोई भी चीज जो है वो बड़ी नोटिशियबल है, बैड फॉर्म में। बैड मतलब जैसे कि कोई गुंडा है, वो भी तो मशहूर होगा ना, गुंडा भी, उसको सब जानते हैं, मगर वो नोटोरियस है। तो एक ऐसी चीज जो अनप्लेजेंट हो, अनप्लेजेंट हो मगर नोटिशियबल हो, ठीक है। तो क्या है, मॉडेस्ट है, हम्बल नेचर का है, नहीं, परवेसिव मतलब हर जगह फैला हुआ, वाइड स्प्रेड है, नहीं है। तो फिर एक्सक्लूसिव है, बहुत ही तगड़ा, नहीं, प्रोमिनेंट है, प्रोमिनेंट मतलब इंपॉर्टेंट है, मतलब नोटिसेबल है, नोटिशियबल। ऑब्स्ट्रक्ट फिर बाधा डाल देना, किसी भी चीज पर रोक लगा देना, कर्ब कर देना। अनक्लॉक का मतलब होता है जैसे कि आपकी नाली भर गई, तो उस नाली को साफ कर दिया, ड्रेन को साफ कर दिया, ड्रेन कर दिया, अनक्लॉक कर देना, कर्ब आपका करेक्ट आंसर है। ही वॉज क्रिटिकली इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, क्रिटिकली का मतलब क्या, बहुत ज्यादा उसको लगा, एक्सट्रीम एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली मतलब सेवेरली। ट्रिवियल का मतलब होता है, ट्रिवियल मतलब ऑफ लिटल इंपॉर्टेंस, ऑफ लिटल इंपॉर्टेंस, कोई भी चीज जो लेस इंपॉर्टेंस की हो, ऑफ इट। सीवियर इज एक्सट्रीम। कैलस, कैलस मतलब होता है जब आप इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव मतलब आपको दूसरे के परवाह ही नहीं है, सेंस सेंसलेस हो, आपको मतलब ही नहीं है दूसरे से, आप क्रूअल हो, क्रूअल, ब्रूटल। प्रॉब्लमेटिक, प्रॉब्लम से भरा हुआ ह्यूमन, आपको पता ही है, कुछ था ही नहीं इन वर्डों में। कॉस्टिक क्या होता है, कॉस्टिक समथिंग डेट इज एसिडिक, एसिडिक हो। सूद मतलब होता है किसी को काम करना, सूदिंग मतलब किसी को पैसिफाई करना, PACIFY, पैसिफाई करना। इंटरवीन करना, दो बंदों की बातें चल रही हैं, ये लड़का है ये लड़की है, दोनों एक दूसरे को मोहब्बत करते हैं, लड़ रहे हैं, आप इनके बीच में घुस रहे हो, थर्ड पार्टी से बच करो, आप घुस रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, अरे मैं सुल मैं मुझे बताओ क्या, मैं आपके बीच में क्या है, सब कुछ ठीक कराऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आपको क्या, इंटरवीन मतलब होता है जो बीच में घुसे और फिर मतलब चीजों को सही करवा रहा हो, मतलब आर्बिट्रेट करना, एग्रीमेंट कराना बीच में, इंटरवीन, बीच में घुसना। कंसीड मतलब किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, किसी भी चीज को एसीड कर लेना, अपना कंसेंट दे देना, परमिशन दे देना, कंसेंट, CONSENT, तीनों वर्ड ध्यान रखना, मतलब परमिट दे देना, परमिट कर देना। वी नीड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट, प्रोटेस्ट मतलब किसी के खिलाफ जाना, मतलब रेजिस्ट करना। अब देखो मैंने आपको एक वर्ड बताया, यहाँ पे एक वर्ड और आएगा एसेंट, ASENT, एसेंट मतलब आपने अपना एग्रीमेंट दे दिया, एसेंट दे दिया, एग्रीमेंट दे दिया, ठीक है। पर्क मतलब बेनिफिट्स। डेफिशिएंट मतलब कमी होना, स्पार्स होना, SPARSE, कमी होना किसी भी चीज की। डेफिशिएंट मतलब कमी होना, ठीक है, आप ये बोल सकते हो मिग्र, MEAGRE, मिग्र होना, कमी होना, ठीक है। स्लीक पता ही है, इंटीग्रल, इनकम्प्लीट, डेफिशिएंट इज इनकम्प्लीट। प्रोवोक किसी को उकसाना, अराउज करना। इनहिबिट का मतलब क्या होता है, INHIBIT का करना, स्लो बनाना प्रोसेस को, प्रिवेंट करना, प्रिवेंट, ठीक है, स्लो बनाना, प्रिवेंट कर।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्या, लग्जीरियंट। लग्जीरियंट मतलब पैसों में भरा हुआ, एकदम फ्लोरिशिंग, लग्जीरियंट लाइफस्टाइल, फुल ऑफ मनी। मतलब मेगर मतलब कम करना, मैंने अभी आपको बताया था, देखो यहाँ पर मेगर कम करना, स्पार्स मतलब कमी होना, स्पार्स मतलब डेफिशिएंट में कम होना, एक होता है अबेंडेंट प्लेंटिफुल, वो इसका उल्टा है, लग्जीरियंट इज फ्लोरिशिंग, ठीक है, फ्लोरिशिंग। दे सॉ फिट टू बैनिश, बैनिश का मैंने बताया था ना, किसी को बाहर निकाल देना, एग्जाइल में, डिस्ट्रेस हम कर चुके हैं, सेट परसेवरेंस, परसेवर करना, मेहनत करना लगातार, देखो सब वर्ड रिपीट है, सैड हम कर चुके हैं। द लॉज आर स्ट्रॉन्ग बट नेवर इन्फोर्स्ड, लॉ तो स्ट्रॉन्ग है बट इन्फोर्स नहीं करे जाते, अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं करे जाते, इम्पोज नहीं करे जाते, अबेंडन त्याग देना, ठीक है, डिसरिगार्ड, किसी को डिसरिस्पेक्ट करना, डायल्यूटेड फैला हुआ। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, ऑल ब्रांडेड शूज आर प्राइस्ड एक्स्ट्रावेगेंटली। एक्स्ट्रावेगेंटली का क्या मतलब होता है? एक्स्ट्रावेगेंटली का मतलब होता है एक्स्ट्रावेगेंट, जो फिजूल खर्ची करता हो, एक्स्ट्रा प्राइस पे रख दिया हो, मतलब जो बड़ा ही क्या हो, स्क्वेंडर हो। SQUANDER, UANDER, जो स्क्वेंडर मतलब जो पैसे को वेस्ट करें, जो क्या करें, जो स्पेंड थ्रिफ्ट, तो SPENDTHRIFT, स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब जो पैसा उड़ाए, मतलब एक्सपेंसिवली, मॉडेस्टली, एकदम हम्बल नेचर का, इकोनॉमिक, मतलब पैसे को बचा बचा करे के सही से काम करे। मीगर, तीन बार कराया मैंने आपको, देखो मीगर, यहाँ भी मीगर आ रहा है, मतलब कम क्वांटिटी में, लेस इन क्वांटिटी, लेस इन क्वांटिटी को हम बोलते हैं मिग्र। यहाँ भी हमने मिग्र बताया, स्पार्स और मिग्र, देखो बार बार आ रहे हैं, ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, एक्सपेंसिवली होगा। नेक्स्ट है हडल, हडल इज ऑब्स्टिकल, मतलब देखो इम्पेडिमेंट इसका आंसर हो गया, मैंने आपको वर्ड कराया था, अभी देखते हैं, पक्का कराया था मैंने, यहाँ तो मुझे याद है इसी वीडियो में, हाँ देखो इम्पेडिमेंट मतलब रोक लगाना, ऑब्स्ट्रक्ट कर देना, ठीक है, देखो यहाँ पे वर्ड आ गया, काम आ गया ना, ऐसी वर्ड तो काम आएंगे सारे, ठीक है, तो इम्पेडिमेंट हो गया, देखते हैं आंसर बनाते हैं। लेबोरियस मतलब होता है मेहनती, जो क्या हो, एकदम इंडस्ट्रियस हो, INDUSTRIOUS, इंडस्ट्रियस हो, जो लेबर हो, लेबर क्या होती है, कड़ी मेहनत करती है, एकदम डिलीजेंट होती है, DILIGENT, इंडस्ट्री में जो काम करते हैं वो इंडस्ट्रियस होते हैं, मेहनती होते हैं। तो प्रोफेन मतलब डिसरिस्पेक्ट देना, नहीं, डिसरिस्पेक्ट तो इसका आंसर नहीं होगा। अनसोफिस्टिकेटेड मतलब जो सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं, पढ़े लिखे एकदम सिंपल लोग, अनसोफिस्टिकेटेड मतलब ना पढ़े लिखे। पॉम्पस मतलब बढ़िया एकदम चमकदम, पॉम्पस लाइफस्टाइल नहीं। एसिडियस, एसिडियस का मतलब होता है जो बहुत मेहनती होते हैं, जिसके लिए आपका एक इडियम एंड फ्रेज भी होता है, बर्निंग मिडनाइट ऑयल, बर्निंग मिडनाइट ऑयल, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, एसिडियस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रोब, प्रोब करो, इन्वेस्टिगेशन करो, सर्च करो, सर्च, प्रोब इज इन्वेस्टिगेशन। क्लैंडेस्टीन, क्लैंडेस्टीन मतलब जब रॉ होती है ना, रॉ हमारी एजेंसी है या IB है, तो वो क्लैंडेस्टीन ऑपरेशन करती है, सीक्रेट, सीक्रेट मतलब अंडरकवर। किसी को मैंने बोला था ना, एक वर्ड बोला था एड ऑन कर देना, अभी बताया था ब्यूटीफाई कर देना, डेकोरेट करना, एड ऑर्नेट मतलब भी डेकोरेट करना। ब्लेटेंट मतलब मुंहफट ओपन, ब्लेटेंट मतलब ओपन एकदम आपके मुंह पे बोलने वाले, तो अंडर कवर इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आई मे साउंड क्रेजी बट आई एम नॉट एन इम्बेसाइल, इम्बेसाइल बहुत अच्छा वर्ड है, इम्बेसाइल का मतलब होता है स्टूपिड, मतलब मोरन, MORON मतलब बेवकूफ, फुलिश, इम्बेसिलिटी बेवकूफपन, स्टूपिडिटी, तो क्रेडिबल मतलब जो दूसरों पर आसानी से विश्वास कर ले, प्रूडेंट मतलब होता है समझदार, वाइज, ठीक है, बुद्धिमान, ठीक है ना, प्रूडेंट, सेगशियस, SAGACIOUS, जिस वर्ड के पीछे ओयोस लगते हैं वो क्या होते हैं आपके एडजेक्टिव कैटेगरी में आते हैं। डंस इज स्टूपिड, डंस, ही लर्नड लेफ्ट ब्रिंगिंग द ब्लंट साइड ऑफ ए, ब्लंट मतलब होता है जो एक, देखो अगर ब्लंट के दो मतलब है, अगर कोई पर्सन ब्लंट है तो वो एकदम क्या है, ओपन है, वो ओपन और फ्रैंक है, आपके मुंह पे बोल देगा, ठीक है ना, प्लेन स्पोकन है, प्लेन स्पोकन है, बिल्कुल मुंह पे बोल देगा, ठीक है। ब्लंट दूसरा क्या होता है, किसी चीज के लिए बोलो तो कोई ऐसी चीज जो शार्प ना हो, डल हो, डल, नॉट शार्प, डल, तो शार्प है नहीं है। टिमिड मतलब होता है डरपोक, कीन मतलब आपको पता ही, आपका इंटरेस्ट या फिर आपकी कीन आई हुई है, मतलब एकदम शार्प हुई हुआ, तो डल इज योर करेक्ट आंसर। बल्कि, बल्कि मतलब बड़ा सा, भरा हुआ, मजबूत, बड़ा सा, मतलब मैसिव। स्कैंटी मतलब क्या है, स्पार्स, स्पार्स मतलब क्या है, कि चीज की कमी होना, मिगर होना, देखो बार बार आ रहे हैं। मैसिव, मैसिव मतलब बड़ा। मेस्ट्रो ऑलरेडी मैंने अभी आपको बताया था, प्रोफिशिएंट बताया, तो जीनियस को किसे कहते हैं, जीनो से कहते हैं। नॉविस क्या होता है, आपका बिगनर होता है,
बिगनर, टायरो भी बोलते हैं, टायरो एमेच्योर होता है ना, जो भी नौसिखिया होता है उसे बिगनर टायरो बोलते हैं। टीवाई सेनाइल कौन होता है, जो बड़ा ही कंफ्यूज हो, कंफ्यूज ठीक है। सिलेंडर कौन होता है, सिलेंडर मतलब भी आप ये मान लो कि सिलेंडर मतलब भी होता है कमी होना, कि सिलेंडर इज कमी ठीक है, स्मॉल इन अमाउंट, स्मॉल इन अमाउंट, स्मॉल इन अमाउंट ठीक है ना, सिलेंडर है स्मॉल इन अमाउंट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अनकैनी, अनकैनी का मतलब होता है विचित्र, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज जिससे आप समझा ना सको। डीरेंज्ड इज दूर, रेंज दूर है। रेकलेस मतलब बहुत तेजी से। इनसाइटफुल मतलब फुल ऑफ नॉलेज, विजडम। स्पूकी, स्पूकी मतलब विचित्र, विचित्र मतलब स्ट्रेंज, स्पूकी। अगस्त, अगस्त का मतलब क्या होता है, अगस्त मतलब होता है वेल रिस्पेक्टेड और मशहूर, वेल रिस्पेक्टेड एंड फेमस। इमिनेंट मतलब तुरंत, इमिनेंट मतलब तुरंत ठीक है। एमिनेंट मतलब होता है वेल रिस्पेक्टेड ठीक है, एमिनेंट मशहूर है और वेल रिस्पेक्टेड है। परमानेंट इज परमानेंट, इलिसिट इज इलीगल, इलीगल ठीक है। इलिसिट हो गया, इलीगल हो गया, मतलब जो चीज क्या है मतलब लीगल नहीं है ठीक है ना, लॉ इम्पोज नहीं हो रहा वहां पर, आप लॉ को तोड़ के कोई काम कर रहे हैं, अवैध है, अवैध। एमिनेंट इज योर करेक्ट आंसर ठीक है। मैंडेट, कोई मैंडेट निकाल दिया मतलब कमांड निकाल दी, कमांड, मैंडेट आ गया, गवर्नमेंट का कमांड आ गई, ये सब करना, इसी के अकॉर्डिंग चलना। टेंडरनेस, टेंडरनेस है मतलब एकदम काइंडनेस, एकदम काइंडनेस। सेवेरिटी मतलब एक्सट्रीम, तीव्रता, एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीमिटी ठीक है, एक्सट्रीमिटी। रूथलेस मतलब क्रूअल, स्पाइटफुल मतलब रिवेंजफुल ठीक है। तो काइंडनेस, टेंडरनेस, काइंडनेस। एक्यूट है, कोई भी चीज एक्यूट है मतलब क्या है, कोई भी चीज एक्यूट हो तो एकदम क्या होती है वो, एकदम ध्यान रखना, बैड है, बैड बुरी है, बैड एंड शॉकिंग है ठीक है। ये एक्यूट और क्रॉनिक वाला नहीं, एक्यूट मतलब बैड एंड शॉकिंग, उसी को हम डायर बोलते हैं, डायर ठीक है ना। एक तो होता है क्रॉनिक बीमारी जो लंबे समय तक चलती है, एक्यूट एक शॉर्ट। ऑब्ट्यूज को हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज को हम बोलते हैं मोरन, स्टूपिड ठीक है, फेथफुल जिसे भरोसा कर सको। डायर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, साइमन हैड ऑलवेज बीन एन एर्डेंट फॉलोअर। एर्डेंट मतलब होता है एकदम एंथुजियास्टिक, एकदम पैशनेट, पैशन। एर्डेंट मतलब होता है फेरवेंट, FERVENT मतलब फुल ऑफ एंथुजियास्म। एवर्स मतलब होता है किसी को डिसलाइक करना, किसी को हेटरेड करना, किसी को लोथ करना, LOATHE, लोथ। तो आपका करेक्ट आंसर है पैशनेट। नेक्स्ट है प्रोपिशियस। प्रोपिशियस का क्या मतलब है, प्रोपिशियस का मतलब होता है प्रॉफिट करना, प्रॉफिट होना ठीक है। आपको सक्सेस मिल रही है, आप प्रॉफिट कर रहे हैं, मतलब आपके लिए आप उन्नति उन्नति हो रही है ठीक है, प्रोपिशियस। कंसिलेटरी, कोजेंट मतलब वैलिड नहीं, इनिमिकल मतलब आपका हार्मफुल, बड़ा अच्छा वर्ड है ध्यान रखना, नोट बना लेना। INIMICL, इनिमिकल मतलब हार्मफुल हो, कोई भी चीज जो परनीशियस हो, PERNICIOUS, परनीशियस हो, हार्मफुल हो। पार्लस हो, PARLLOUS, प्रिकेरियस हो, PERECARIUS मतलब हार्मफुल हो, उसे निमिकल कहते हैं। ऑस्पेशियस का क्या मतलब है, प्रोपिशियस, एकदम आपका मतलब एकदम से क्या हुआ, फोर्टिट्यूड हो गया, एकदम स्ट्रेंथन होगी सारी चीज और आपकी सक्सेस चल रही है, आपने प्रॉफिट ही प्रॉफिट बना लिया इस ऑस्पेशियस। 450 हमने कर लिए हैं, बहुत ही तेजी से हमने करें, अच्छे से पढ़ना, वीडियो को रोक रोक के देख लेना तो ही आपको चीजें समझ में आएंगी ठीक है। और अगर कोई बच्चा हमारे साथ हमारे ढंग से वोकैबलरी कवर करना चाहता है तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है, जिसमें हम आपको 5,000 वोकैबलरी कराते हैं टेस्ट फॉर्म में ठीक है। बहुत अच्छे से चीजें आपकी कवर हो जाती हैं, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, 9289609096 पे। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।